वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं अभी घर पे ही हूँ, तो आज का व्लॉग मेरा होने वाला है कि हम लोग माइनस डिग्री में यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं इतनी ठंड में। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं जंगल, जंगलों से लेके आते हैं सूखी लकड़ियाँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं जाने वाली हूँ। मैं भी आज अपनी मासियों के साथ लकड़ी लाने जा रही हूँ। मम्मी पापा मेरे चंडीगढ़ गए हुए हैं, तो घर पे हम ही हैं। तो अभी मुझे लकड़ी लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। सो आई वांट यू गाइस टू सी कि हम लोग पहाड़ों में ठंड में सर्वाइव कैसे करते हैं। सो लेट्स गो। हमारा यहाँ से आधा कर घंटा दूर है, अभी हम पैदल जाएंगे। हम लोग रस्सियाँ लेके जा रहे हैं लकड़ियाँ बांध के लेके आने के लिए पीठ में। आज के पार्टनर हम तीनों हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला कि लकड़ियाँ लेके आनी है जंगल से, वो मेरे लिए रस्सी लेके आए। मासी अपने लिए किल्टा लेके आए, वो किल्टे में लेके आएंगे लकड़ियाँ, बट मेरे को वो रस्सी में बांध के देंगे। तो लेट्स गो। अंधेरा होने वाला है, लेकिन हम लोगों को अंधेरा होने से पहले पहले वापस आना पड़ेगा। अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, मुझे अभी से ठंड लगने लग गई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं गांव आती हूँ तो गांव की एक्टिविटीज करने में। आई एम गोना शो यू समथिंग गाइस, यू गोना लव इट। वो जो सामने दिख रहा है मेरा गांव, हम गांव से इतनी दूर आ चुके हैं। व्यू इज ऑसम, अमेजिंग। मैं अभी इतनी ऊंचाई पे हूँ, अभी मैं जंगल के अंदर एंटर करने वाली हूँ। मुझे डर लगता है, उन मासियों को डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है। जंगल शुरू होता है यहाँ। इन जंगलों में डर इसीलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ की बहुत सारी ऐसी कहानी है। चलो मैं उनके बारे में इस वक्त तो बात नहीं करने वाली बिल्कुल भी, बट हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी है और हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें हुई है यहाँ पे। सो इट्स वेरी स्केरी, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जंगलों में भी कुछ देवी शक्तियाँ वास करती हैं, और ये सच है। बाकी थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊँ, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, मैं यहीं तक जाऊँगी क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा घना जंगल है, वहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी एंटर नहीं करने वाली। जंगलों को देख के मुझे पता कौन सी मूवी की याद आती है, एक मूवी थी ना राज, उस मूवी में ऐसा जंगल होता है, धुआं धुआं होता है, कुछ वैसी वाइब देता है। देखो इतनी तीखी जगह पे पहाड़ों में लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा ही रहता है, बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत पत्ते गिर रहे हैं। पहने मैंने क्रॉक्स है, चलना मेरे को ऐसे रास्तों में है, कैसे चलेगी रे डेजी। वहाँ से बाहर आ गई, वो लोग तो सच बताऊँ इन झाड़ियों में खो गए। दिखाऊँ कौन सी झाड़ियों में, लगता है मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। जंगल से बाहर आ गई, उनका वेट कर रही हूँ कि मुझे दिख नहीं रहे थे झाड़ियों में। मैंने आवाज़ भी लगाई बट मुझे बहुत दूर से रिस्पॉन्स आया, तो मुझे लगा कि बेटर होगा मैं जंगल से बाहर निकल जाऊँ। भाई वो भेड़ ना 5 मिनट से ऐसी की ऐसी है, वो हिल नहीं रही है 5 मिनट से। आई डोंट नो वो मुझसे डर रही है कि मैं उससे डर रही हूँ। आई डोंट नो ये अकेली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बैठ गई जंगल में भेड़। हेलो हेलो, मेरे को भाग के आना पड़ गया क्योंकि वहां पे कुत्ता है, और ये भेड़ों के साथ जो कुत्ते होते हैं ना भाई, गलती से भी ना भेड़ों के जो झुंड के पास जो कुत्ते होते हैं ना, उनके पास जाना नहीं चाहिए क्योंकि चीर सकते हैं इंसान को। इतनी देर से मुझे कोई लकड़ियां नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लकड़ियां मिली हैं, इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। बस कुत्ता इधर ना आ जाए भाई। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं, बहुत हो गई। इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी है, वो भी ये है लकड़ी का भंडार जो मेरी मासी ने कई दिनों से इकट्ठा किया हुआ है। लकड़ी जो हम इन किल्टों में डालेंगे वो हम लेके आएंगे जंगल से, तो हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। तो अभी हम मेरे लिए यहाँ पे बोझा बनेगा, समझ गए होंगे आप, बोझा मतलब पता नहीं हिंदी में बोझा ही बोलते हैं है?
शायद बोझा ही बोलते हैं, अभी हम मैं बना के दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग पहले रस्सी बिछाएंगे ऐसे करके और जाग जानवा सेब है। अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे बोझा मेरे लिए, ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं ज्यादा भारी नहीं उठा पाऊंगी, बट जितना मैं उठा सकूंगी मैं उतना ही बनाऊंगी। आपको थोड़ा सा देखो, ये हमारा आधा बोझा बन के तैयार हो गया, अब हम पूरा दिखाएंगे आपको पूरा बना के। यू गाइज वोंट बिलीव मैं इतना बड़ा बोझा उठा के घर लेके जाऊंगी। मुझे लगता है मेरा बोझा काफी हो चुका है, इतना ही उठा पाऊंगी मैं। अभी उसको फोल्ड कर रहे, फोल्ड करके मैं उसको उठा के घर लेके जाने वाली हूँ। तो ये उठा लिया है हमने अपना बोझा। ये हमारे गांव का लाइफस्टाइल रहता है, अभी हम इसको घर लेके जाएंगे, घर ले जाके इसको तंदूर में जलाने के लिए सेव करके रखेंगे, ये सर्दियों का स्टॉक रहेगा। हम लोग रोज आते हैं ना, रोज आते हैं लकड़ियाँ लेके आने लेके जाने के लिए, ताकि हमें सर्दियों में प्रॉब्लम ना हो, जब इतनी इतनी बर्फ हो तो हमें हमारी सर्दियाँ इजी तरीके से कट जाए, इसीलिए हम लोग ये रिचुअल फॉलो करते हैं। रिचुअल है। चलो फाइनली हम अपना, अब घर जाने का टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला है तो अभी हमको घर निकल जाना चाहिए टाइम से, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है ना मासी, क्यों नहीं रुक जाता है अंधेरा होने बाद लोग का, यहाँ पे डराते हैं फिर डराते हैं ना यहाँ पे। हाँ मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में ये भी लिखेंगे कि आपसे बड़ी चुड़ैल तो कौन ही होगी, बट यहाँ पे सच में होती है भाई, कभी आना फिर दिखाना असली चुड़ैल कैसी होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, दिखता इजी है बट बहुत मुश्किल है, मेरे वाला तो कुछ भी नहीं है। हम घर की तरफ तैनात होते हुए, ये इनका वाला है तब, फर्स्ट सिपाही, सेकेंड सिपाही, थर्ड सिपाही इज कमिंग। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर जाके पियेंगे हम गरम गरम चाय। कौन बनाएगा चाय? दूध हाँ जी, चाय बनाएगी मन का। मैं बनाऊंगी चाय। मैं कैसे बनाऊंगी चाय? बनाएगी चाय। बैठ गया, चाय बना लिया है। सो फाइनली नाउ वी आर अबाउट टू रीच। सो फाइनली आधे घंटे की वॉक के बाद हम लोग घर पहुंच गए। लाइट इज ऑलमोस्ट गॉन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।